वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक साहू है एंड यदि आप इस चैप्टर के अरेंज्ड एंड डिटेल्ड लेक्चर देखना चाहते हैं देन आप हमारे चैनल पर जाएं, वहां पर आपको इन चैप्टर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उन प्लेलिस्ट के अंदर आपको अप्रॉक्स एक एक घंटे के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, तो वहां से आप अपनी स्टडी को और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है मैंने अपनी मेन लेक्चर में से ट्रिम की गई है ताकि आपको स्मॉल वीडियो के लिए, दैट इज स्मॉल टॉपिक के लिए, बड़ा सा वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, कंटिन्यू। वेक्टर के कॉन्सेप्ट थोड़े से उसमें यूज़ होंगे, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होना, आसान है इसी तरह से, ठीक है। तो उसको हटा दें और दूसरा डेरिवेशन देखते हैं। ओके, तो भाई हेडिंग बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक डायपोल है, लेट्स से दिस इज माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। इसके कारण से हमें निकालना है कि भाई किसी भी जनरल पॉइंट पर कितनी, दैट इज किसी भी जनरल पॉइंट का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना, इक्विटोरियल और एक्सियल पॉइंट को छोड़ करके। तो हमने माना कि भाई ये डायपोल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मान लिया कि भाई ये डायपोल एक्सिस का सेंटर है, जिसको हमने नाम दे दिया ओ, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो हमने इसको नाम दे दिया भाई ये पॉइंट हो गया अपना पी। इसके बाद आपको ध्यान से समझना है, बस इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम समझने की जरूरत है, जितना भी डिस्कशन जरूरी है वो 5-10 मिनट के लिए जरूरी है, उसके बाद तो आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट से, दैट इज डायपोल के डायपोल एक्सिस के सेंटर से हमने देखा कि भाई ये जो पॉइंट पी जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ये कितनी दूर है। तो हमने इसको नाम दिया कि भाई ये आर डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ से आर, ठीक है, बस इतना काम हो गया आपका। चलिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें पता है भाई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, तो हमें पता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, दैट इज पी वेक्टर, वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। समझने वाली बात जरूरी फ्रेंड्स ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन क्यों कर पाया, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए मैंने इस पार्टिकल पे इस तरह से फोर्स लगाया और ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो वेक्टर में हमें पता है ना भाई कि भाई दो ही डायरेक्शन होती है, या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा या वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इंक्लाइंड कंपोनेंट कोई नहीं होता है। तो हम इस कंपोनेंट को, अगर ये कंपोनेंट यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे, है ना, रिजॉल्व करना मतलब इसको दो पार्ट ऑफ ब्रेक करेंगे। ये वाला पार्ट इसका बनेगा, लेट्स अगर ये एफ फोर्स लगाने से आया, तो ये वाला पार्ट में हमने फोर्स लगाया एफ कॉस थीटा, और ये वाले पार्ट में क्योंकि एंगल नहीं बन रहा है तो कौन सा एफ साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाई ये पॉइंट है, ठीक है, अब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो उसका मतलब क्या है, इस पर एक फोर्स ऐसे लगा और एक फोर्स ऐसे लगा, ठीक, दोनों ने, एक ने ऊपर खींचा एक ने आगे खींचा, तो एज अ रिजल्टेंट ये बीच में पहुंच गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि भाई ये कंपोनेंट, कोई भी पार्टिकल ऐसे जा रहा है, या फिर ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है जो कि हमारा फाइनल कंपोनेंट, हमने नाम दे दिया पी, तो ये किसका रिजल्ट होगा, अगर हमने नाम दे दिया भाई ये पी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट किसका होगा भाई, दो कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट जो उसको क्या कर रहा होगा, जो उसको ऐसे खींच रहा होगा, और एक कंपोनेंट जो उसको ऐसे खींच रहा होगा, एज अ रिजल्टेंट ये बीच में चला गया। Are you getting my point or not? समझ रहे हैं ना, ठीक। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है कि भाई अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या, P cos थीटा, यहाँ पर अगर एंगल नहीं बन रहा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या, P sin थीटा, अगर नीचे एंगल बनाते तो ये वाला P cos थीटा, ये वाला P sin थीटा हो जाता, आप इसको जानते हैं भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भाई इस पॉइंट पर P पर हमें निकालना है, क्या करना है, या फिर चलिए ये पी का कॉस थीटा पी साइन थीटा हो जाएगा, तो हमें नाम दे दिया कि भाई इस पॉइंट के पर हमें फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्टेंस ली, लेट से यहाँ से आर हो गई, ये जो है ना यहाँ से एंगल बनाती है थीटा, ठीक है, थीटा। अब देखिए डायपोल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायपोल को हम तो रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि भाई पी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो किसी ना किसी के रिजल्टेंट के फॉर्म में तो ये मिला होगा। तो हमने कहा कि भाई इसके दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं, एक पी कॉस थीटा ऐसे और एक पी साइन थीटा ऐसे। ये किसके कंपोनेंट हमने किए, डायपोल के नहीं किए, डायपोल मोमेंट के किए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपोनेंट हमें मिल गया, ये वाला कंपोनेंट हमने बनाया कि भाई ये कंपोनेंट अपन को मिला, ठीक है, ये हमने मान लिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पी कॉस थीटा,
ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया भाई पी कॉस थीटा। इसके बाद एक कंपोनेंट अपन को ऐसा वाला मिला जिसको हमने क्या नाम दे दिया भाई पी साइन थीटा। चलिए इतना हो गया, हमने इसको पीछे बोला कि भाई ये जो है ना, लेट से हमने एक इमेजिनरी डायपोल मान लिया, लेट से ये माइनस क्यू यहाँ पर हुआ होगा और एक माइनस क्यू यहाँ पर, ठीक है, ये दो क्योंकि डायपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, तो डायपोल तो हो गई ना उसमें, तभी तो कंपोनेंट बनेगा, ठीक। और यहाँ पर हो गया भाई ये वाले का नाम हो गया पी कॉस थीटा, ये वाले का पी साइन थीटा और ये रिजल्टेंट पी। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लेट से यहाँ पर अगर हम इस वाले पी कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ पर एक डायपोल माइनस क्यू और यहाँ पर एक डायपोल माइनस क्यू, जो कि आपको बनाना नहीं है, बस इमेजिन करना है, ठीक है। यहाँ पर एक डायपोल माइनस क्यू, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। बस जो समझना था आप समझ चुके हैं। अब छोटी सी बात आती है कि फ्रेंड्स इसको मन की आंखों से देखना है। मन की आंखों का मतलब है बस हमें थोड़ा सा इंट्यूशन करना है ना, थोड़ा सा मतलब ध्यान लगा के देखना है, और अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर मैं इसको नाम दे दूं भाई, अगर ये है अपना ए, चलिए मैं ऐसा कर देते हैं अपन इसको, ये पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट बी। अगर मैं इससे कह दूं भाई ये सी और ये डी, ठीक है, इसी तरह से आप क्लियर कर पाएंगे ना डायग्राम में, इस तरह से ई और ये, या फिर ई की जगह मैं इसको नाम दे दूं जी और एच, ई हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे देंगे, ठीक है, ये हमने इस तरह से नाम दे दिए। फ्रेंड देखिए, अगर मैं ऐसा करूँ कि भाई यहाँ पर ना इस वाले कंपोनेंट को मैंने देखा, ये जी और एच वाले को, तो ये जी ये एच, ठीक है, ये जी एच, ठीक है, ये इसका सेंटर ओ, ये इसका सेंटर ओ, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लेट से ये पॉइंट हो गया के, इस पॉइंट का नाम हमने के दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको वही फिगर समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे एक माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये तो वही चीज हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, है ना। और यहाँ पर जो पहले पी था, अब क्या है, यहाँ पर पी की जगह हमें क्या रखना है, पी कॉस थीटा, बस इतना काम करना है। जो पहले पी था एक्सियल वाली कंडीशन में, उसकी जगह हमें क्या रखना है, पी कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम इस वाले कंपोनेंट को देखते हैं तो अपन को एक्सियल पॉइंट दिखाई देता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सियल एट एक्सियल पॉइंट वाली कंडीशन। अब इसी चीज को अगर मैं ये वाला कंपोनेंट देखता हूं, सीडी वाला कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, अगर मैं सीडी वाला कंपोनेंट देखता हूं तो सीडी वाले कंपोनेंट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए फ्रेंड्स, सीडी वाला कंपोनेंट कहां है भाई, ये रहा अपने पास सीडी वाला कंपोनेंट, ये सी और ये डी। अब यहां पर हो गया सेंटर ओ, ठीक है। अब हमें ये सी डी और यहां पर इसके बीचों बीच, देखिए सी डी के जस्ट बीचों बीच, यहां पर इस पॉइंट के पर हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट के पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो भाई देखिए, ये क्या ये इक्वेटोरियल पॉइंट वाली कंडीशन नहीं बन रही है, बन रही है ना। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, दैट ए बी, ये जो है ना जी एच, ये जी एच इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक्सियल पॉइंट पे हमने ऐसी तो बनाया था कि भाई या तो ऊपर लगाएगा नेट रिजल्टेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनाएगा या फिर नीचे बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि भाई ऊपर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या माना था, जो अपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, ऊपर वाला साइन थीटा और नीचे वाला साइन थीटा तो कैंसिल हो गया था, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही थी वो इस डायरेक्शन में बच रही थी या नहीं बच रही थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बच रही थी, कितनी बच रही थी ये हमारा अभी मैटर नहीं है, ठीक है। तो लेट से इस जी एच के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो बन रही है ई वन, ठीक है, ड्यू टू मतलब एट एक्सियल पॉइंट। और इसके कारण, दैट इज अगर हम इसको देखें, इस सी डी को जो कि इक्विटोरियल पॉइंट हो रहा है, सी डी के लिए ये वाला पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट हो रहा है, और इक्विटोरियल पॉइंट में हमें पता है भाई इस डायरेक्शन में बनेगी, या तो इस डायरेक्शन में बनेगी या इस डायरेक्शन में बनेगी, समझ रहे हो ना, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कोई भी डायरेक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि भाई देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हो गई अपनी। अब मैं इसको, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई वन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, हमने कितनी निकाली हुई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सियल पॉइंट के लिए हमने निकाला था भाई 2 पी वैक्टर,
है ना, 2p अपॉन r क्यूब। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि इस वाली कंडीशन में हमें p की जगह क्या लेना है, देन हमारा आंसर भाई p cos थीटा, तो p की जगह हमने क्या कर दिया, p cos थीटा, ठीक है, p cos थीटा। इसके बाद दूसरी चीज, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसको हमने नाम दे दिया E2। कहाँ निकालना है हमें ये हमें फाइंड आउट करना है एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर आपको पता है क्या होता है भाई, एक्सियल पॉइंट पर ऐसा होता है 1/4πε0, 2p की जगह ओनली क्या होता है, p अपॉन r क्यूब। लेकिन आप खुद सोचिए कि भाई यहाँ पर एक्सियल पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायपोल मोमेंट क्या p है या p sin थीटा, p sin थीटा, तो हम यहाँ पर p की जगह p sin थीटा ले लेंगे, बस हमें इतना करना है। ये अपना E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी, बोला इस डायरेक्शन में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, ये क्या होगी अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलता है भाई, E इज इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक है, ये रूट में है पूरा। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू हम 90 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ से सिंपल अपना इतना फॉर्मूला बन जाएगा, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और जब इतना फॉर्मूला बनेगा तो हमारे सामने एक ज़रूरी सी बात आएगी भाई, क्या होगी वो बात, चौक का पीस ही नहीं मिल रहा अपन को, ठीक, देखो ये E हो गया, चलिए भाई इसके बाद ज़रूरी बात ये है कि जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद अपने पास ये चीज़ बाहर आ जाएगी, क्या 1/4π रूट के अंदर स्क्वायरिंग करेंगे तो सेम चीज़ बाहर आ जाएगी 1/4πε0। और यहाँ से अपने पास ये पी बाहर आ जाएगी, अच्छा आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा 1/r³। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भाई 2p cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस p sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा अपने पास। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/4πε0 कॉमन आ गया और 1/r³ भी कॉमन है। इसके बाद ये पी स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, तो यहाँ पे पी भी बाहर निकल आया, ठीक है, पी बाहर आ गया। इसके बाद अंदर क्या बच रहा है, अंदर बचा अपने पास 4 cos² θ, ठीक है, और ये बचा sin²θ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई कि ये चीज़ अपनी सेम बच जाएगी 1/4πε0, ये p/r³, और यहाँ पर 4 cos²θ को अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 cos²θ प्लस cos²θ, और ये हो गया अपना sin²θ। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, cos²θ प्लस sin²θ को 1 लिख दिया हमने, ठीक है, बाय आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, 1/4πε0 p/r³ एंड ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर 3 cos²θ प्लस 1, 3 cos²θ प्लस 1। तो ये अपनी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसको आप बता दें भाई ये इनटू में है, ये जो अपनी इतना रिजल्ट आया ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अपनी किस पॉइंट पर, एट एक्सियल पॉइंट, सॉरी एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। एक मिनट का आप मुझे टाइम दें, चौक चेंज करते हैं अपन, ठीक है भाई। देखिए यहाँ से समझने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, वन सेकेंड, तो देखिए अब अगर यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये किसका है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, सॉरी एट एनी जनरल पॉइंट। तो देखिए अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखते हैं, थीटा की जगह रखेंगे भाई कितना डिग्री, बोला 0 डिग्री। अगर आप थीटा की जगह 0 डिग्री रखते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, थीटा 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है ना एक्सियल पॉइंट पर। तो E due to
ईयर एक्सियल पॉइंट कितनी मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये तो आपको पूरा कॉन्स्टेंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या भाई 1/4π ε0, ठीक है, P/r³, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं थीटा की जगह 0° रखते हैं तो कॉस 0 हो जाएगा, ये कॉस 0, तो इसका मतलब क्या बच रहा है 3+1 दैट इज √4। रूट फोर का मतलब क्या है, रूट फोर का मतलब है 2। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट हमने यही तो निकाली थी ना, तो उसका मतलब अपना फॉर्मूला सही है। और अगर इक्विटोरियल पॉइंट पर होगा, इक्विटोरियल पॉइंट पर तो हम क्या लेंगे भाई थीटा की जगह 90° ले लो आप, सॉरी थीटा की जगह आप यहाँ पर 90° ले लो, और जब 90° लोगे तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये रूट वन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/4π ε0 P/r³ ये अपना निकल के आ जाएगा। इसका मतलब है कि भाई हमारा ये जो डेरिवेशन हमने किया हुआ है वो एकदम करेक्ट है। इतना क्लियर हुआ आपको, चलिए भाई ठीक, तो उसको हटाते हैं।